नमस्कार दोस्तों, जब भी आप अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, EKYC के थ्रू बनवाते हो, तो जब आपका पैन कार्ड आपके घर के एड्रेस पे 8 से 10 दिन में पहुंच जाता है, और जब भी आप अपना पैन कार्ड खोल के देखते हो, तो आपको एक वाइट कलर की पट्टी नज़र आ रही होगी। अभी आपके मन में 2-3 डाउट रहते हैं हमेशा ही, कि जो वाइट कलर की पट्टी होती है उस पर मैं सिग्नेचर करूँ कि ना करूँ। अगर सिग्नेचर करूँ तो कौन से पेन से करूँ, नॉर्मल पेन से या फिर मार्कर पेन से। तो आज मैं आपको पूरे के पूरे डाउट क्लियर कर दूंगा। हालांकि आपको पहले से ही पता होगा कि जब भी हम अपना जो पैन कार्ड हो, आधार कार्ड, EKYC के थ्रू बनवाते हैं, तो जितने भी आधार कार्ड की डिटेल होती है ऑटोमेटिक से उठा के इस पे चिपका दिया जाता है। तो इसको बोलते हैं आधार कार्ड EKYC के थ्रू हमने पैन कार्ड बनवाया है। तो देख लीजिए, यहाँ पर जो वाइट कलर की पट्टी होती है, मैं आपको बता देता हूँ कि किस पेन से आपको सिग्नेचर करना है। तो देख लीजिए, मैं अपने ये बात आपके मन से नहीं बता रहा हूँ, मैंने कस्टमर केयर में बातचीत कर लिया है, कंफर्म कर लिया है। इसके बाद मैं आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ। तो देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर एक वाइट कलर की पट्टी होती है, आपको पता ही होगा अगर आपने EKYC के थ्रू बनवाया है। तो अभी आपको यहाँ पर फिजिकली सिग्नेचर करना पड़ेगा, ठीक है? ये तो पूरा डाउट क्लियर होगा कि आपको यहाँ पर सिग्नेचर करना ही पड़ेगा। अभी आपको देखना है कि नॉर्मल पेन से करना है या फिर मार्कर पेन से। तो देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी आपका जो पैन कार्ड हो, कहीं पर भी ज़रूरत पड़ती है, तो आप ओरिजिनल तो देते नहीं हो, इसकी जेरोक्स कॉपी ही देते हो। अगर आप नॉर्मल पेन से करोगे तो जो सिग्नेचर है वो पतला दिखाई देगा, क्योंकि इसका जो इंक होता है ना, चलने में होता है, वो पतला दिखाई दे रहा होगा कुछ इस प्रकार से। लेकिन अगर आप मार्कर पेन से करते हो, तो ये थोड़ा सा चलने में इसका इंक है जो थोड़ा सा गाढ़ा होता है, थोड़ा सा मोटा रहता है, तो इसके सिग्नेचर काफ़ी अच्छे नज़र आएंगे। जब भी आप जेरोक्स कॉपी करोगे तो उसमें भी अच्छी तरीके से सिग्नेचर आपको दिखाई देंगे उस ब्लैक एंड वाइट कॉपी में। तो पूरा का पूरा डाउट क्लियर होगा कि आपको किस पेन से सिग्नेचर करना है। तो मेरे ख्याल से कंपेयर टू जो नॉर्मल पेन है, इस पेन से बेस्ट रहेगा जो मार्कर पेन है। बस आपको एक बात का ध्यान और रखना है, मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत से मार्कर पेन ऐसे होते हैं कि जब भी आप यहाँ पर सिग्नेचर करोगे ना, तो जो इसका जो फैलाव है वो फैल जाता है, लिखने के बाद फैल जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो सिग्नेचर है वो पूरा क्लियर दिखाई नहीं देता है, थोड़ा सा धुंधलाहट दिखाई दे रहा है। तो इस समझ में नहीं आता है कि सिग्नेचर है कि क्या है। तो इस बात को आपको खास करके ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए आप एक मार्कर पेन लीजिए अच्छा सा, जो कि चलने में एकदम पतला होता है, जितना आप लिखोगे उतना ही ये रहेगा हमेशा के लिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको कि थोड़ा बहुत आपके पैन कार्ड से रिलेटेड डाउट रहे होंगे, क्योंकि पैन कार्ड में फिजिकल सिग्नेचर करना है, वो करना है तो फिर किस पेन से करना है। तो फाइनली मार्कर पेन आपके लिए बेस्ट रहेगा कंपेयर टू नॉर्मल पेन। थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसमें ब्लर ना हो जाए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। फिर भी आपका किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई 100% करूँगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।